हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, मैं हो गया हूँ रेडी और आज हम जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल का नेक्स्ट पार्ट देखने, जो कि उसका सीक्वल है। सो गाइस, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और फिर बताता हूँ कि आखिर ये सीक्वल कैसा रहा। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हेलमेट पहन लिया, अब चलते हैं फटाफट से। सो अब हम आ चुके हैं गाइज गौर मॉल में और यहाँ पे ले लेते हैं एंट्री। और गाइज, यहाँ पे बाकी लोगों को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारा तो भाई शो है, इस वजह से हमें जाने दिया अंदर। एंड गाइज, इसी वजह से आप देख सकते हो कि अभी मॉल में कोई भी नहीं है क्योंकि 11:45 का मेरा शो है और अभी इस टाइम पे स्टोर्स भी ओपन नहीं हुए हैं। आप देख सकते हो कि चारों तरफ अभी स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, बल्कि इवन स्टाफ भी नहीं आया यहाँ पे किसी का भी। सो गाइज, मैं मॉल में आ गया हूँ और भाई 10:45 का मेरा शो है। सुबह मैं जिम भी गया था गाइज। सो अब आ गया हूँ मॉल में और आप देख सकते हो अभी सारी शॉप्स तकरीबन बंद हैं। एंड गाइज, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि टॉम क्रूज सर की मूवी है मिशन इम्पॉसिबल और भाई मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ैन हूँ टॉम क्रूज सर का। और भाई मैं लगातार पिछले 2-3 दिनों से गाइज मिशन इम्पॉसिबल के पार्ट ही इवन देखे जा रहा था, स्टार्टिंग से सारे पार्ट देख के कम्प्लीट कर रहा था। और गाइज, अब मैंने अंदर एंट्री ले ली है वेब सिनेमाज में और हमारा नंबर है OD नंबर 4 और इसी में मूवी स्टार्ट होने वाली है गाइज। अब जाकर इसमें ले लेते हैं अपनी सीट। सो गाइज, मैंने ले ली है अपनी सीट और आप देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। मैंने टॉप की ही सीट ली है, मतलब इसके जस्ट पीछे बस एक लास्ट रो है। और गाइज, यहाँ पे नेशनल एंथम भी होता है इस पर, तो बस अब स्टैंड हो जाते हैं नेशनल एंथम के लिए। सो गाइज, मूवी हो चुकी है फिनिश और भाई मिशन इम्पॉसिबल तो बढ़िया थी आखिर टॉम क्रूज सर की। और गाइज, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि पार्ट 1 था और भाई मूवी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी गाइज, मतलब मज़ा आ गया भाई देख के। इसमें एक चीज़ और थोड़ी सैड थी यार कि इसमें एल्सा की डेथ दिखा दी है इन लोगों ने। सो गाइज, वहाँ पर थोड़ा सा सैडेस्ट मोमेंट था कि एल्सा की डेथ हुई थी, बाकी गाइज सब कुछ बहुत बढ़िया था, फुल ऑन एक्शन था। बस यार वो एल्सा की डेथ वाला सीन थोड़ा सा इमोशनल भी था और सैडेस्ट भी था। अब गाइस, ज़्यादा भूख तो है नहीं पर मैं मैकडी जाकर देखता हूँ थोड़ा बहुत कुछ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया अपने लिए पिज़्ज़ा पफ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। और गाइस, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है पिज़्ज़ा पफ, जो मैं मैकडोनल्ड्स में हमेशा लेता हूँ साथ में। जब भी इसके मैं बर्गर वगैरह भी लेता हूँ तो पिज़्ज़ा पफ साथ में ज़रूर मैं ऐड ऑन करा लेता हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस, आप में से जिस जिसको पिज़्ज़ा पफ यहाँ का पसंद है मैकडोनल्ड्स का, वो लोग सबके सब कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना वीडियो को अभी के अभी। सो गाइस, लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस पिज़्ज़ा पफ। और गाइज, पिज़्ज़ा पफ का तो वही टेस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है एकदम पिज़्ज़ा पफ का। और गाइज, इन लोगों ने एक चीज़ और कर दी है, मैकडोनल्ड्स में केचप के भी चार्जेस लगने लग गए हैं, जो पहले नहीं लगते थे अब लगने लग गए हैं यहाँ पे। गाइज, अगर आप लोग भी बहुत बड़े फ़ैन हो टॉम क्रूज सर के और आपने भी मिशन इम्पॉसिबल देख रखी है पुराने वाले पार्ट, तो कमेंट करके बताना कि आपको मिशन इम्पॉसिबल का पीछे वाला कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। सो गाइज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा पार्ट है मिशन इम्पॉसिबल का जो पहले वाले पार्ट आ चुके हैं। और अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल का ये वाला पार्ट भी देख लिया तो गाइज़ ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये पार्ट कैसा लगा था। और गाइज़, इसी के साथ हमारा पिज़्ज़ा पफ होता है फिनिश यहाँ पे, जो कि भाई सही था, मतलब डिसेंट से भी बढ़िया टेस्ट है इसका। गाइज, आई होप यू लाइक द व्लॉग। चैनल पर पहली बार आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं गाइज इधर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड लक।